सिख न्यूज़ एक्सप्रेस देखने वाले सारे ही दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अज के इस प्रोग्राम के साढ़े नाल ने श्रोमणी अकाली दल जिले के प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना। स्वागत है भाई साहब जी, आप जी का इस प्रोग्राम। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह। भाई साहब जी, किसानों का अंदोलन जिहड़ा असीं देख रहे हैं पिछले कई दिनों तो चल रहा है, दिल्ली पूरी घेरी हुई है, तो यह हुण किस दिशा वल जा रहा है? देखो जी, अज तेईवें दिन है और मैनू कल मौका मिलिया संत राम सिंह उन्होंने उत्थे करनाल जाण दा, चंडीगढ़ जाण दा। ये तकरीबन काफ़ी दूर तक फैलिया होया। दिशा तो देखो कोई दे है नहीं, मैंने नहीं दिशा तो एको हैगी, या सरकार ने मंगा मनिया या किसानों ने अपने घट वध लैके सोच गल करवाई है। हाले तक मैनू जो समझ आ रही हैगी, क्योंकि मैं उन्हां दे विच बैठा हाँ, लंगर दी असीं सेवा गुरु ने बची हुई है, जिहड़ा किसान हैगा वो किसी कास्ट से भी कंप्रोमाइज़ करने के मूड च नहीं हैगा। ये लीडर 35 जरूर जा रहे हैं, पर यह भी 35 जिहड़े लीडर हैगे अपने किसानों की गल लैके करके तो जाते हैं, उन्होंने कह दिता जाता भी तुसीं इस तों घट को गल नहीं मनदे। तो मैं समझदा हां कि सरकार नूं आवाम अगे जिंद नहीं करनी चाहिए। तो जिहड़ियां 3 स्टेटां हैगियां जिन्हें किसान संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, इन स्टेटों 5 साल के लिए इन्हों जो एक्ट बनाया है वो फ्रीज कर देना चाहिए है। जिस देखे 5 साल उन्होंने किसानों को फायदा है, कह देंगे ठीक है जी साढ़े तो भी लागू कर लो। तो ये गल जी है सरकार को मान के तो इन्हों इना का धरना जोड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक तौर पर नुकसान बहुत है। एक तो रस्ता बिल्कुल बंद है, जोड़ा रस्ता 2 घंटे का और 5 घंटे लगते हैं, जोड़ा 5 का और 10 घंटे लगते हैं। तीसरा, काम काज से बुरा असर पै रहा है, माल आ नहीं रहा, माल जा नहीं रहा। अगर माल जाना है तो बहुत इतना तर तर करना पै रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इना वे जोड़ा माल असी एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी सैकड़े इंडस्ट्रीज कर दें, वो काम उन्होंने इतों निकल के चाइना लैके चला जाए। इस गल का सानू बहुत वड्डा खंचा हैगा, तो इस वास्ते असी सरकार नू अपील करते हैं अपने वालों, बतौर इंडस्ट्रीज, बतौर व्यापारी वालों, कि इस मसला किसानों की मर्जी नू मन के सुलझाया जाए ता कि सारा काम ठीक नॉर्मल हो। अच्छा, असीं वेखिया कि किसान अंदोलन के तकरीबन 20 किसानों ने 21 किसानों ने अपनी जान भी गवा ली है, तो कल परसों जिहड़ा बाबा राम सिंह जी ने उन्होंने किस सुसाइड कर लिया। देखो गल है जी, बी इस सर्दी के जोड़े इन खुलियां रातों में रहन गए, उस जान का नुकसान होना जरूरी है। इतने सरकार को चाहिए या तो सरकार अपने तौर पर इन्हों ये टेंट बना के दे दे जिते कोई सर्दी का असर नहीं पैंदा, फिर भी मान लीए स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देन, सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देवे, उन्हां दी अपने आवाम की जान माल की राखी के लिए तो सरकार को वचनबद्ध होना चाहिए, अपने फर्ज की पूर्ति करनी चाहिए है। तो ये जो नुकसान हो रहा है, ये मैं समझा वा कि किसानों का रोस होर ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके बाबा राम सिंह के जाने तो बाद किसानों के रोस ज़्यादा बढ़िया है और समुचे पंजाबी समुचे हरियाणा के लोगों, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले सन, हरियाणे की जनता की सेवा करते सन, तो जिस करके हरियाणा और पंजाब दोवां स्टेटां दे विच उन्हां दे जाण दा बहुत अफसोस होया है। और खास करके जिहड़ी उन्होंने लिखत दित्ती है कि मैं किसानों का दुख ना सहंदे होया अपनी शहादत दे रहा, इस दे नाल होर असर पिया। तो एक पासे सरकार कह रही है कि बिल वापस नहीं होणगे, कानून जिहड़े ने किसानी कानून जिहड़े असीं लैके आए हैं वो वापस नहीं होणगे, दूजे पासे किसान कह रहे कि जब तक वो एक वापस नहीं लैणगे उद तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, तो इस डेडलॉक दे विच रस्ता की निकलेगा हुण? देखो रस्ता किसी आम बंदे ते कढ़ना नहीं, रस्ता असीं भी नहीं कढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल अपने फैसले कहता कि पीसफुल एजिटेशन करते रहन, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज कह देन भाई इन्हां दीआं मंगां जायज़ हैगियां तो सरकार इन्हां दे स्टेट्स विच कानून लागू ना करे। सरकार नूं, हिंदुस्तान की सरकार नूं अपने आवाम की बेहतरी लई, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए, लोगों की जिद मन लैनी चाहिए है।
सरकार ये ना समझे भी ये मैं बिल वापस ले लिया फिर सी ए का बिल का रपड़ा पै जाएगा 370 का पै जाएगा अयोध्या का पै जाएगा। ये जो बिल है ना जे बिल है एक फिरके करते हैं समुची किसानी भावें हिंदू है भावें मुसलमान है भावें सिख है उन्होंने सारे अफेक्ट करता पाया। तो इस वास्ते इन्हों से उन्हें ना तुलना ना करते हुए सरकार ने बिल वापस लैन चो गुरेज नहीं कर चाहिए या किसानों ना जिते समझौता कर रहना चाहिए छेती करना चाहिए पानी रिड़कना नहीं चाहिए। एक पास किसान अंदोलन है तो किसान अंदोलन लेकर के जोड़े बीजेपी लीडर है जो जो गोदी मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि ये वक्वादी ने यह नक्सलाइट ने ये किसान नहीं है ये प्रोटेस्ट किसानों का नहीं है ये वक्वादियों तो नक्सलाइटों का या खालिस्तानियों का है। देखो जी मैं नक्सलियों तो जानता नहीं पंजाब के हमने नक्सलाइट को खत्म होने शायद 40-45 साल हो गए 1960-65 के दहाके के नक्सलाइट मूवमेंट की गल सुनी दी जल असं छोटे सित तक इन्हों खालिस्तानी मूवमेंट कहना ये सरासर सिखा नाल जस्ती हैगी। मैं कहवागा हिंदुस्तान की सरकार को कि तुम बंदे भेजो असी सेंटर बैठे हुए हाँ एक एंटी नैशनल नारा जड़ा नहीं लगा पर सरकार ये तो देख लवे ना भी जब इतनी लंबी एजिटेशन लैके जाएगी तो बाहरलियां ताकतां उहदा फायदा उठाने की कोशिश करनगियां हाले तक तो कुछ भी नहीं हैगा पर उन्होंने सरकार उन्होंने करन क्यों दे रही है सरकार फैसला करके खत्म करे उन्होंने हाथ क्यों हथियार देती है। मैं हाले मैं पक्का है ये लंबा एजिटेशन भावें 6 महीने चले भावें साल चले ये किसान जोड़े है अपने दम ते लड़नगे किसी होर दे आखे नहीं लड़नगे। अच्छा एक पास आपां वेखदे हां कि जिहड़ा सुखबीर बादल है वो उसने बयान दिता है पिछले दिनों में कि जिहड़ी बीजेपी है ये असल च टुकड़े टुकड़े गैंग है तो जिहड़े बिल लैके आए ने ये बिल जिहड़े ने एक सरकार दीआं गलत नीतियां दा ही नतीजा है। मैं सार सुखबीर सिंह बादल को पुछना चाहता हाँ मैनू तो बयान सरदार प्रकाश सिंह का भी याद हैगा इन्हों का भी याद है तो सरदारनी हरसिमरत कौर का भी याद है जब आर्डिनेंस लाए गए सन तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया फिर सरकार के कहते एक किसानों समझा गई है जगह जगह गई है किसान नहीं समझे तो इन्हें आके किसान समझ नहीं रहे हैं यदा मतलब बयान तो हो भी किसान नहीं समझ रहे पर यह अपनी गल ठीक कराने वास्ते गई है ये मास्टराणी बन गई है इन्हें मास्टराणी कबूली नहीं गई। मैं सुखबीर सिंह बादल को पूछता तुम पार्लीमेंट के मैंबर सो आर्डिनेंस विरोध क्यों नहीं किया बिल का विरोध क्यों नहीं किया जिले देखा भी सारा पंजाब इस बिल के विरोध उठ खड़ा होया फिर तुम अपना फैसला बदलने की कोशिश की लोगों के किसानों के डर के मारे और इस वास्ते इन्होंने कहा भी अगे जड़ा सिखी जी है सिख जरा इन्हों पूरी तरह खारिज कर चुका है हूँ थोड़े बहुत जोड़े किसान बचे ना सानू वह भी ना छुट्टी कर देंगे असी ब्लैंक हो जाइए तो इन्होंने अपनी आवाज़ बदली है टुकड़े टुकड़े बीजेपी टुकड़े टुकड़े की है टुकड़े टुकड़े बीजेपी जो हिंदुस्तान का राज करी है तो अभी टुकड़े टुकड़े होकर पंजाब नहीं सामभ सके पंजाब की किसानी नहीं सामभ सके पंजाब के किसानों के एक्ट को सही दिशा नहीं दे सके पार्लीमेंट इस एक्ट के खिलाफ बोल नहीं सके सगों तुहाडी हरसिमरत कौर नूं कढ़िया गया है। जब मोदी ने देखा भी ये बिल के हक में इन्होंने बोले हालांकि तुम वोट नहीं पाए बिल के खिलाफ तुम सिर्फ बोले हो उन्हें कहता या इस्तीफा दे या मैं डिसमिस कराँगा तो ने इस्तीफा दिता इस वास्ते इन्हें मगरमच्छ अथरू बधाने की लोड़ नहीं है कौम सिख किसान भावें हिंदू है भावें सिख है भावें मुसलमान है भावें जाट है भावें कोई है तुहाडियां शकलां पहचान चुका है तुहाडे ते नहीं दबार करता सिख किसानां दी अकाली दल श्रोमणी अकाली दल की रीढ़ की हड्डी किसान सन अज 23 दिन तक बैठे हुए हैं तुसीं कित्थे हो किस वास्ते हो नहीं आए क्योंकि तुहाडा उहदा नाम की है इतना विरोध होना कि तुहाडे कोल सह नहीं सकना होना उन्हें कहना पोलीटिकल लीडर नहीं है तुसीं कहना नहीं जी असीं ते किसानां दे हक विच आ जब किसान तुहाडे नाल सन किसानां दे सिर ते अकाली दल खड़ा होया किसानां दे सिर ते हर पावर तुसीं इस्तेमाल कीती अज तुसीं क्यों नहीं आ रहे ये मतलब किसान तुहानूं छड़ चुका है और तुहाडे ते दबार नहीं करेगा बिल्कुल नहीं करेगा जिहड़े गुरु घर दे दुखी उन्हां ते कौन इतबार करेगा कोई नहीं करन लगा।
अच्छा आप जी ने हमने पिछे बयान दिता है कि साढ़े 13 साल के पीरियड के जी दिल्ली सिकुरता प्रबंधन कमेटी है उस भी कोई करप्शन नहीं होया तो जब तो बादल दल आया है तो यह करप्शन का ही एक अड्डा बन गया है। देखो पहली गल तो हैगी कि मैं एक कभी भी नहीं कहा मैं करप्शन पूरी तरह बंद की थी। मैं जड़े मोर सन नाले सन उन्होंने बरीक नालिया तब्दील करता से मेरी अख अगों कोई करप्शन नहीं हुई। उदा वजह सी कि गुरु महाराज ने जड़ी सेवा दिती उस दरम्यान घट्टो घट 200 करोड़ रुपए दियां बिल्डिंगां बनियां कॉलेज बने सरावां बनियां स्कूल बने गरीब बच्चों के लिए स्कूल बने उस तो बाद 123 करोड़ छड़ के गए फ्री च ये तो स्कूलों कॉलेजों की कमाई भी खा गए 123 करोड़ भी छड़ गए और घट्टो घट 125 करोड़ रुपया इन्हों की देनदारी है 20 करोड़ रुपया तो खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी का देना इन्होंने तनखावान का देना है गुरुद्वारे के मुलाजमान दी तनखावान का देना है स्कूलों कॉलेजों के टीचर का लड़कों के पैसे देने वो जो सारा करांगे वो तो पता नहीं किन्ने करोड़ बैठेगा। तुसी मत अपना एक बैलेंस शीट दो ना भी अज तक दिल्ली कमेटी ने यह देना जी पता लगे। इस वास्ते जब गुरु करेगा ये जानगे तो जब चिट्ठे खुलनगे तो इन्हें रस्ता तो कोई है ही कोई नहीं। दूजे पासे देख रहे हैं कि जिहड़े बादल दल दे सीनियर के लीडर जिहड़े ने रजौरी गार्डन तो हरमनजीत सिंह जी उन्होंने एक तो सिरसे का जिहड़ा है वो रेजिग्नेशन मंगे है दूजे पासे उन्होंने ये भी गल की है कि जिहड़ा बाला साहब होस्पिटल जिहड़ा वो सरना पार्टी का जिहड़ा प्रोजेक्ट सीगा वो बहुत वधिया सीगा तारीफ ही की उस गल की तो ये भी किया नाल कि इस नूं एज अ एक मुद्दा बना करके गलत दिशा देख करके जिहड़ा प्रचार किया गया इस दे उपर। देखो जी एक मुसलमान से मुहावरा है ਬਈ ਈਦ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਵਾਂ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੰਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠ ਔਰ ਕਫਰ ਜਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਫਰ ਤੋਲ ਕੇ इलैक्शन जीती है तो ये सानू सजा दसो असी की लेना चाहते हैं और सजा तो छड़ देन काल तख्त बैठ के 5 जपची साहब के पाठ करके अरदास करके अपनी पुल बचा लैन असी समझांगे बिल्कुल ठीक है जी इन्होंने अपने हुण मन साफ होए न पर तुसी कौम का नुकसान कितना किया अज अस्पताल बनया हुंदा अज टुटे भजे अस्पताल जगह नहीं हैगी इस साल की कितनी कमाई होनी सी कितने साढ़े स्कूल बनने सन कितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने सन लोगों की सेहत का कितना ख्याल रखना सी असी अपने वक्त तकरीबन बहुत 5000 बंद मेडिकल भी इंश्योरेंस कराई सी और कई ने पैसा सारे ने 100% ने पैसे ले और साडा ये जो अस्पताल सी इसे ट्रस्ट ने पास किया प्रॉफिट इसकी कमाई सिर्फ एजुकेशन ते और मेडिकल के उत्ते लगेगी लोगों की हेल्थ के उत्ते लगेगी किसी जगह नहीं लाएगी कोई गुरुद्वारे नहीं बनेंगे इस तो की चाहिए तुसी उसनू क्योंकि तुसी तड़दे पे सी भाई इतनी गोलक कट्ठी हो गई तो असी लुट लिए इनू खा जाइए वो तुहाडियां अखां पाटियां होईयां सानू एडी दौलत हैगी अज की हाल है अज कई हल्कियां चोण लोकी चोण वास्ते तैयार नहीं क्योंकि जेड़े उत्थे हल्के हैगे कई कहिंदे जी इन्ने पैसे लगदे जी फलाण नू कहिंदे जी इत्थे ते पैसे लगदे ने जी तुसी पैसे ला ला के गुरु दा घर दे लुट के उहनां नू नेस्तर मुद करके रख दिता तुहानू गुरु बख्शेगा तुहानू संगत बख्शेगी तुसी बख्शण योग हो कोई मैं गलत दस दियो हरमनजीत सिंह ने जरूरत की है पर लेट की है पर उदी पूरा सिरा सुद इश्तहार लावे कि बादलों शिकस्त देने लई अस्पताल दोबारा लागू करने लई बादलों शिकस्त दी जावे और जे हिम्मत ऐस तो कवे कि मैं अल बादल छड़ के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली तो चोन लड़ांगा क्योंकि इन्होंने अस्पताल रोकया है मैं अस्पताल बनाना मैं इन्हों का साथ देंगा फिर तो आया स्वाद खाड़ी अपा अपनी उपमा कराने पिछे अच्छा जी मैं ही विरोध किया जी वट इज़ दिस। सो ये सन सरदार परमजीत सिंह सरना जिन्होंने मौजूदा किसानी अंदोलन के उपर भी अपने विचार जोड़े ने रखे ने ते मौजूदा सियासत के उपर जो दिल्ली कमेटी की सियासत है उसके उपर भी अपने विचार रखे ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।